हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्राइटेस्ट डे का शुरुआती पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि ब्लैकेस्ट नाइट के बाद का इवेंट क्या होने वाला है और बचे हुए सुपर हीरोज या फिर विलन आखिरकार सर्वाइव होंगे या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमें सुनाई देती है एक आवाज जो कह रही थी ये एक नया दिन है, या फिर ऐसा कहा जाए कि ये एक ब्राइटेस्ट डे है। और तभी हमें एक नेस्ट में से एक चिड़िया का बच्चा नीचे गिरते हुए और मरते हुए दिखाया जाता है। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने ही ग्रेव के सामने खड़ा हुआ डेड मैन, जो कि अपने हाथ में एक हैमर लिए खड़ा था और वो कहता है मैं हूँ बोस्टन ब्रांड और मैं एक एरलिस्ट था जो कि जाना जाता था बिना नेट के स्टंट के लिए, और मैं अपना हाई वायर एक्ट करने ही वाला था कि तभी एक बुलेट मेरे आर पार हो गई, लेकिन मैं मरा नहीं और किसी वजह से मैं फिर से जिंदा हो गया और इसी वजह से मुझे लोग कहने लगे डेड मैन। और वो अपनी ग्रेव उस हैमर के साथ तोड़ देता है और वो आगे कहता है लेकिन डेड मैन अब जा चुका है, और अपने पास से अपना मास्क निकालकर वो फेंकते हुए कहता है और वो चला गया लाइट के एक फ्लैश की वजह से, और इसी वजह से अब मेरे पास कोई घर कोई जॉब है ही नहीं और वही पुराना दर्द मेरे घुटनों का, मैं इसी के साथ अब जीने वाला हूँ। और तभी वो देखता है उस मरे हुए चिड़िया के बच्चे को और अपने हाथ में उठाता है कि तभी उसके हाथ में जो व्हाइट लैंटर्न रिंग थी वो चमक उठती है और उस चिड़िया के बच्चे को फिर से जिंदा कर देती है और वो उस चिड़िया के बच्चे को उसके नेस्ट में पहुंचा देता है। तभी रिंग उसे कहती है बोस्टन ब्रांड ऑफ अर्थ मेरी हेल्प करो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और तब हमें उसका नाम और उसकी पावर्स दिखाई जाती है, डेड मैन जो कि बोस्टन ब्रांड है और उसकी पावर्स अभी अननोन है। और तभी वो रिंग उसे टेलीपोर्ट करती है दूसरी जगह एमनेस्टी बे पर, जहाँ पर एक्वामैन मेरा के साथ अपना हनीमून मना चुका था। और तब वो अपने बेड में से उठती है और आर्थर को ढूंढने लगती है, और तब हम देखते हैं आर्थर को जो कि एक्वामैन है और उसकी पावर्स है हाफ ह्यूमन और हाफ एटलांटियन हेरिटेज, जो कि उसे अंडरसी एडेप्टेशन प्रोवाइड करता है। इसी के साथ उसके पास एनहांस्ड स्ट्रेंथ टेलीपैथिक कंट्रोल है सी लाइफ का। और तब मेरा बढ़ती है उसकी तरफ, जिस पर वो कहती है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, जिस पर उसका जवाब था मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, और वो कहता है काफ़ी दिन हो गए स्विम किए। तब वो कहती है जब से तुम डेट से वापस आए हो तब से, है ना, जिस पर एक्वामैन कहता है हाँ ये सुनने में और इमेजिन करने में बहुत हार्ड है, लेकिन मुझे नहीं पता मेरा कि मैं ही क्यों डेट से वापस आया, गार्थ और टुला क्यों नहीं। इस पर वो कहती है वो दोनों अभी साथ में ही होंगे, तुम उनकी चिंता छोड़ो और इस ब्यूटीफुल डे का मजा लो। और अपने कपड़े उतार कर जो कि उसने अभी भी पहने थे वो उतार कर वो फिर से समुद्र में चली जाती है और इन्वाइट करती है एक्वामैन को। तब एक्वामैन अपनी परछाई पानी में देखता है एक ब्लैक लैंटर्न के तौर पर, और तभी हम आवाज सुनते हैं डेड मैन की जो कहता है ये क्या है, आखिर एक्वामैन यहाँ पर कर क्या रहा है और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तभी वो टेलीपोर्ट दूसरी जगह पर होता है यानी कि आयरन हाइट्स में, जहाँ पर प्रोफेसर थ्वान यानी कि रिवर्स फ्लैश रखा हुआ था जिसकी पावर्स थी लिविंग जनरेटर पैरासाइट का और निगेटिव पीट फोर्स। और तभी वो देखता है फ्लैश को जो कि एक प्रिजन के सामने खड़ा था और एक आदमी को पुकार रहा था, और उसी के साथ वो जिस आदमी को पुकार रहा था वो था कैप्टन बूमरैंग यानी कि डिगर हार्कनेस, जिसकी पावर्स थी डेडली ट्रिक्स ऑफ बूमरैंग, वो भी ना चुकने वाले एक्यूरेसी के साथ। इस पर वो आते हुए कहता है इतनी रात को कौन है, जिस पर फ्लैश उससे कहता है अभी सुबह के 8 बजे है, जिस पर वो बताता है तो इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर फ्लैश कहता है मुझे तुम्हारे बेटे के बारे में अफसोस है, और वो आगे कहता है कि 6 फीट अंडर जो भी गड़े हुए थे उनमें से सिर्फ तुम ही हो डिगर, जो कि वापस आए हो और अब तुम अपनी न्यू लीफ शुरू करने वाले हो, तो तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो कि मुझे और तुम्हें दोनों को ही परेशान करे, जिस पर वो कहता है कि परेशान क्या मतलब है, जिस पर वो कहता है यहाँ से भागना और अपना वही पुराना जॉब करना जो कि लोगों को तंग करे और वो सब करना जो कि मुझे तुम्हारे पीछे लगा सके। आगे बूमरैंग कहता है कि मेरे पास अभी दो ही चॉइस है, या फिर बिजी जीव या फिर बिजी मर जाओ। और वो आगे कहता है कि आखिरकार मैं ही क्यों, मेरा बेटा या फिर तुम्हारा वो दोस्त एलोंगेटेड मैन क्यों नहीं, आखिर मैं ही क्यों यहाँ पर सड़ने के लिए फिर से वापस आ गया, जिस पर वो कहता है क्या ये किसी तरह का थ्रेट है, जिस पर उसका जवाब था नहीं ये थ्रेट नहीं बल्कि ये फ्लैश फैक्ट है। और तभी फ्लैश वहां से जा चुका था, अगली डेस्टिनेशन थी स्टोन चैट म्यूजियम हॉक गर्ल और हॉक मैन के पास यानी के कार्टर हॉल और शायरा हॉल के पास, जिसकी पावर्स थी हार्नेस बेल्ट जो कि एंथ मेटल से बनी हुई थी और एक एलियन एलॉय जो कि ग्रेविटी को मात दे सकता है और साथ ही साथ उन्हें एनहांस्ड स्ट्रेंथ विजन और हीलिंग फैक्टर भी देता है, जहां पर हॉक मैन
उसे बहुत सारी चीजें दिखाते हुए अपने पिछले जन्मों के बारे में पूछ रहा था। दूसरी तरफ साउथ अमेरिका में हमें माउंट क्लाइंब करते हुए कुछ लोग दिखाई जाते हैं। यहाँ पर एक शील्ड को पकड़कर हॉकमैन पूछता है कि ये क्या है शायरा, जिस पर वो कहती है ये साइलेंट नाइट का शील्ड है और उन दिनों इंग्लैंड में बहुत सर्दी पड़ती थी। तुम्हें याद है कि हम एक दूसरे को वार्म कैसे करते थे। और तभी डेड मैन अपना सिर्फ दूसरी तरफ कर लेता है और तब हम देखते हैं हॉकमैन और हॉक गर्ल का एक पैशनेट किस। तब वो रिंग से कहता है क्या इस रिंग को ये भी नहीं पता कि बर्ड गैलरी में मीटिंग कब होती है। और तभी हम दूसरी तरफ हम देखते हैं साउथ अमेरिका में कुछ लोगों को जो वो पहाड़ चढ़ चुके थे। यहाँ पर किस करते हुए हॉकमैन को अपने पास्ट लाइफ के कुछ सीन्स याद आते हैं और वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस पर शायरा कहती है तुम्हें इस बारे में नहीं बल्कि उस बारे में सोचना होगा कि हम जिए कैसे। तुम्हें हमारी डेथ नहीं बल्कि तुम्हें हमारी लाइफ के बारे में याद करना होगा। तुम्हें हमेशा कहते थे कि हिस्ट्री ही एडवांटेज देती है हमें और वही स्ट्रॉन्ग वेपन है जितना हम उसे सुन पाए। और वो दोनों रोमांस कर ही रहे थे कि तभी एक क्रिस्टल एक बीम निकालता है और उसके यूटिलिटी बेल्ट को तबाह कर देता है, जिस पर हॉकमैन उससे पूछता है कि ये क्रिस्टल क्या है। इस पर वो बताती है मेरी जो कि स्टार सफायर है उसने मुझे ये दिया। वो कह रही थी कि जैमरॉन से वो उसके हार्ट का पीस है। और तभी वो जिस गनलेट पर लगा हुआ था वो गनलेट उन्हें ऊपर जाने का इशारा करता है और वो दोनों ही रेडी होकर ऊपर की तरफ उड़ने लगते हैं कि तभी हॉकमैन और हॉक गर्ल को दोनों को ही ये महसूस होता है कि उनके पहले जन्म के बॉडीज के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि उनकी बॉडीज बर्फ के बाहर पड़ी हुई थी, जहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दो कि हमने हॉकमैन और हॉक गर्ल की फर्स्ट बॉडीज को ढूंढ लिया है। अगली डेस्टिनेशन जहाँ पर कोई अपने साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वो कह रहा था कि ये ट्रांसफ्यूजन तैयार है और अब इसका साइड इफेक्ट सिर्फ नोज ब्लेड के अलावा कुछ नहीं हो सकता। और तब हम देखते हैं न्यूयॉर्क में जस्टिस लीग की वो इंटरनेशनल एम्बेसी जो कि अब वो छोड़ चुके थे। और तभी वहाँ पर खड़ा हुआ मैक्सवेल लॉर्ड देखते हैं जिसके पास एक्सट्रीम माइंड कंट्रोल की पावर्स थी और वो एक्सपेरिमेंट शुरू करने ही वाला था कि तभी वो कहता है और इस पुश के साथ मुझे सक्सेसफुल दो एंडिंग्स मिल सकती है। और एक्सपेरिमेंट शुरू करते ही वो एक भयानक दर्द के साथ उस बाथटब में गिरता है जहाँ पर आइस थी और ये देखते ही डेड मैन वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो रिंग उसे अगले डेस्टिनेशन की तरफ ले जाती है जो कि थी मार्स, यानी कि मार्शियन मैनहंटर का घर। मार्शियन मैनहंटर यानी कि जॉन जॉन्स, जिसकी पावर्स थी सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, उड़ना, इंटेंजिबिलिटी, टेलीपैथी, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन और एनर्जी विजन, जो कि कुछ ढूंढ रहा था। और तभी उससे मिलने के लिए आते हैं ग्रीन लैंटर्न्स, जिन्हें देखते ही पहले तो वो उनको ग्रीट करता है लेकिन आगे गाय उसे कहता है कि हम तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लाए हैं। और जॉन उन दोनों को पूरा ग्रह घुमाने लगता है और तभी वो कहता है कि मुझे मार्शियन एक्वाफायर्स मिले हैं और अब मैं उन्हें बड़ा करूंगा, मैं उनका ख्याल रखूंगा और एक बार फिर से ये ग्रह जी उठेगा जैसे कि पहले था। जिस पर ग्रीन लैंटर्न हैल कहता है कि बुरा मत मानना लेकिन मैंने तुम्हारे आवाज में इससे पहले कभी भी इतना फैटलिज्म महसूस नहीं किया। जिस पर वो कहता है हाँ तुम्हारा कहना सही है क्योंकि इससे पहले सिर्फ और सिर्फ इंटेंस एंगर था, एंगर जिसकी वजह थी मेरे वाइफ और डॉटर की मौत, लेकिन मेडिटेशन की वजह से मैं अब वो एंगर अपने से दूर कर चुका हूँ। तब जो पत्थर उसके चेस्ट पर लगा हुआ था उसकी तरफ इशारा करते हुए गाय कहता है कि आखिर ये क्या है। इस पर मार्शियन कहता है मैं दो वर्ल्ड्स का बेटा हूँ, मार्स और अर्थ, और दोनों ही मेरे लिए सुप्रीम अफेक्शंस और डेडिकेशन के प्रतीक है। आगे हेल कहता है कि तुम्हारी वजह से जस्टिस लीग में एक बहुत बड़ा होल बन चुका है और अगर तुम फिर से आकर उसे भरना चाहो तो हमें खुशी होगी। तब गाय कहता है हाँ मैं भी यही कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम हमारे फेवरेट मार्शियन हो। जिस पर मार्शियन मैनहंटर कहता है मैं तुम्हारा अकेला मार्शियन हूँ लेकिन अभी तक। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो भी मुझे कमेंट करें ताकि मैं इसका अगला पार्ट भी ला सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।